राजधानी दिल्ली में G20 समिट के चलते सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए। G20 समिट का आज आखिरी दिन रहा। ऐसे में पुलिस ने दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बैरिकेडिंग की हुई है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे से अगर आप ITU की तरफ जा रहे हैं तो आपको IP पार्क के पास तक जाने की इजाज़त होगी। वहीं अक्षरधाम से होते हुए अगर आप ITU की तरफ जा रहे हैं तो विकास मार्ग पर आपको रोक दिया जाएगा। हालांकि गीता कॉलोनी से लोगों को आने जाने दिया जा रहा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी देवेश कुमार। दिल्ली में G20 समिट हो रहा है और ऐसे में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। इस वक्त हम IP जो पार्क है उसके पास मौजूद है और आपको तस्वीरें दिखा देते हैं कितनी कड़ी सुरक्षा की हुई है। तमाम जगह जो है दिल्ली पुलिस ने बैरिकेटिंग की हुई है क्योंकि आज आखिरी दिन समिट का है, G20 समिट जो हो रहा है, और उसी को लेकर कड़ी व्यवस्था दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई है। यानी कि तमाम रास्ते जो है, अगर आप यहाँ से ITO के पास जाओगे तो आपको वहाँ जाने नहीं दिया जाएगा। उससे पहले ही IP पार्क के पास जो है पुलिस ने बैरिकेटिंग की कर रखी है सुरक्षा कारणों के चलते, क्योंकि सुबह के समय भी हमने देखा कि जब सुबह ब्रिटेन के प्रधानमंत्री अपनी धर्मपत्नी के साथ अक्षरधाम मंदिर के दर्शन करने पहुंचे थे, तभी से लेकर और अब तक लगातार जो सुरक्षा है वो कड़ी की हुई है। तमाम बैरिकेटिंग है और अगर आप लक्ष्मी नगर से आ रहे हैं या आप नोएडा की तरफ से आ रहे हैं तो आपको अगर दिल्ली जाना है तो आपको यहाँ पर आकर वापस यू टर्न लेना पड़ेगा, क्योंकि सुरक्षा कारणों के चलते जो रास्ता है वो पूरी तरह से बंद किया गया है। यानी कि अगर आप नोएडा की तरफ से आ रहे हैं या फिर आप लक्ष्मी नगर की तरफ से आ रहे हैं तो आपको यहीं पर रुकना होगा। सुरक्षा कारणों के चलते पुलिस ने जो बैरिकेटिंग की हुई है अलग अलग जगह, आपको दिखा देते हैं, जो तमाम जो गाड़ियां आ रही हैं उनको भी जो है वापस भेज रहे हैं। दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो जगह जगह बैरिकेटिंग की हुई है। अगर आप लक्ष्मी नगर की तरफ से भी जाते हो तो विकास मार्ग पर यानी कि यमुना का जो पुल है उससे पहले ही पुलिस ने बैरिकेटिंग की रखी है। तो तमाम सुरक्षा कारणों के चलते पूरी व्यवस्था दिल्ली पुलिस ने की हुई है और तमाम जगह सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए बैरिकेटिंग और चेक इन की जा रही है। तो ऐसे में लोगों को थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। कैमरामैन शूरवीर के साथ देवेश कुमार, टोटल न्यूज़ दिल्ली।